अस्सलाम वालेकुम। जो बुध के दिन 25 तारीख मुदो शहर में शादी का महल जो और जिम का ओपनिंग किया, ये काम मुदो अंजुमन वाले ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया। ये पूरे हमारे बागलकोट ज़िले के अंदर जो एक बेहतरीन काम का अंजाम दिया अंजुमन ए इस्लाम मुदोड़ कमेटी वालों ने, इनको हम रबकवि बनहट्टी के तरफ से तहे दिल से शुक्रिया बोलते हैं। इस जो फंक्शन के अंदर जो जमीर अहमद खान आए थे, गोविंद कारजोल साहब आए थे, आरवी तिमापुर साहब आए थे, और हमारे यमाइम के कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट उस्मान गनी हमनाबाद आए हुए थे, और नबी वाले आए हुए थे, और भी सारे बड़े दिग्गज नेता भी आए हुए थे। सबका नाम लेते तो नाम याद नहीं है। इस फंक्शन के अंदर जो जमीर अहमद खान का जो भाषण हुआ, जो स्पीच करे उन्होंने स्टेज पर, ऐसी बेहतरीन स्पीच करे। जमीर अहमद खान बोलते हैं कि हर साल हाजियों को करोड़ों खर्चा करके मस्जिद के इमाम साहब मोजिन साहब को हज पर भेजते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम, ये काम जो है उन्हों पहले से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। एक कांग्रेस में ऐसे नेता हैं कि मुसलमान के लोगों को सोशल वर्क बन कर काम करते हैं, पॉलिटिकल कम सोशल वर्कर ज़्यादा हैं। हम भी उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हर साल उन्होंने हाजियों को अपने नेशनल ट्रैवल्स के बसें, जो नए शोरूम की डिलीवरी जो आ जाते हैं बसें, वो डायरेक्ट हाजियों काफ़िले लेकर जो इंटरनेशनल बेंगलोर के एयरपोर्ट तक हाजियों को पहुंचाने का काम करते हैं। हर साल हम देखते आते हैं, उनके बारे में कितनी भी तारीफ करें तो कम है। ठीक, अच्छी बात है जो उन्होंने जो कांग्रेस के बारे में बोल दिया। उन्होंने तो अपने पर्सनल के लाइफ के अंदर जो एक फरिश्ते के रूप में नज़र आते हैं, बहुत बेचारे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत भोले इंसान, बहुत एक मुसलमान का एक रहनुमा कहलाते हैं। और आखिर में जो कांग्रेस की तारीफ की, सिद्धरामैया की तारीफ करे, जो टीपू सुल्तान की जयंती के बारे में खूब बोल दिए, हमने टीपू जयंती हमने सब सरकारी जयंती पर मनाए। अरे भाई, सरकारी जयंती तो घोषणा करे, लेकिन आम तौर पर मुसलमानों को टीपू जयंती करने का हौसला नहीं दिया। जमीर अहमद खान, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप स्टेज पर पूरा बोल दिए कि पूरा कर्नाटक स्टेट के अंदर कांग्रेस के 80 सीट जो मुसलमान होने की वजह से 80 सीट आ गए हैं, ये मैं आपको सल्यूट करता हूँ। ये आपके बात पर मैं 110% आपके साथ हूँ, ये बात पर कि इसी कांग्रेस वाले ने ये बात कहने से इनकार करते हैं। 80 सीट हमने जिताया था लास्ट MLA इलेक्शन में, 80 सीट के एक साइड मुसलमान होकर कांग्रेस को वोट दिया था, तुमने कह दिया ये बहुत लाखों में बात, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कांग्रेस वाले ये नहीं कहते कि हम मुसलमानों की वजह से 80 सीट आ गए हैं, ये नहीं कहते कांग्रेस वाले। आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो 80 सीट मुसलमान होने की वजह से कांग्रेस के 80 सीट आ गए, तो आप कहाँ गए थे भाई? जमीर अहमद खान भाई, आप कहाँ गए थे लास्ट लोकसभा इलेक्शन के अंदर? कितने सीट दिए हैं मुसलमानों को? तारीफ करते हो कांग्रेस वालों की, हम भी कांग्रेस के
एक हमें भी फैन हैं, राजीव गांधी के फैन, इंदिरा गांधी के फैन, राहुल गांधी के फैन, कांग्रेस के फैन होते होते बस हो गए हम। लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन इलेक्शन में 2018 को तो सिर्फ एक सीट दिए थे, सिर्फ एक सीट। 80 सीट तो आप बोलते हैं मुसलमान वजह, मुसलमानों की वजह से 80 सीट हम कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर चुन के आए हैं। तो आप कहाँ गए थे कर्नाटक के अंदर? कम से कम लोकसभा एमपी इलेक्शन को 3 से 4 एमपी देना चाहिए था, क्यों नहीं आपने वो आवाज़ उठाई? आवाज़ उठाना था। आपके पर्सनल, आपके सोशल वर्कर हैं माशाल्लाह, आप करोड़ों खर्चा करते हैं लोगों पर, लेकिन मुसलमानों पर उंगली उठाती, उंगली जब मुसलमानों के ऊपर जो उंगली उठाते हैं, मुसलमानों के ऊपर जो हमलावार होते रहते हैं, आप कहाँ गए रहते हैं? जब मैं ऐसा बोल के गए आप, ठीक अच्छी बात है, आपके पर्सनल जो सोशल वर्क बन काम कर चुके हैं, अल्लाह उसका जजाय खैर आखरत में देगा, वो तो आपको भी यकीन है, हमारा भी यकीन है, लेकिन पूरे स्टेट के अंदर जो पॉलिटिकल हिसाब से जो मुसलमानों को पैरों के नीचे कुचला जा रहा, तब कहाँ गई थी ये आवाज़? कितनों को सीट दिया एमपी का मुसलमानों को? इसकी वजह से लास्ट टाइम एमपी इलेक्शन में कड़ी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस वालों को। पूरे स्टेट के अंदर, पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर हम सेकंड पर हैं मुस्लिम वोटर्स, तो भी हमने अभी तक एक डिप्टी सीएम कोई भी सरकार वालों ने नहीं दिए। चलो सिद्धरामैया जो आप बोलते हैं, तो 80 सीट हमने मुसलमानों की वजह से जीत गए थे, तो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी, डिप्टी सीएम मांगना था आपने? 80 सीट जिताने का जो काम मुसलमानों ने किया है, उस डिप्टी सीएम स्थान देकर बोल आप कहना था सिद्धरामैया जी को, क्यों नहीं कहे? जब जब मुसलमानों के ऊपर जो अपोज पार्टियों ने जो हमला करते हैं बातों से, मुसलमान जो वोट जिसको दिएगा वो हिंदुस्तानी है, नहीं देगा वो पाकिस्तानी है, इसका मतलब आप खामोश बैठ जाते हैं? बस सोशल काम करते रहे तो बस हो गया क्या? आखरत बन गई तो बस? और बाकी का मुसलमान? अरे भाई, हर मुसलमान की खबर आप तक पहुंचते रहती, फिर भी आप खामोश बैठे रहते हैं। क्यों? परसों जो अब जो हाली डिप्टी सीएम जो है के एस ईश्वरप्पा, जो बीजेपी सरकार में हैं अभी फिलहाल, उन्होंने क्या कहा था मुसलमानों को? जो देशभक्त मुसलमान है वो बीजेपी को वोट देता है, जो देशभक्त नहीं है वो दूसरों को देता है। क्यों हम देशभक्त नहीं हैं? ये आवाज़ तुम्हारे कानों तक पड़ी है कि नहीं पड़ी है? पूछना था ये आवाज़ क्यों नहीं आई मीडिया पर तुम्हारी, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आई, इलेक्ट्रिक मीडिया पर क्यों नहीं आई? आप लंबी लंबी बात करते रहते हैं, ठीक है, आप पर्सनल जो बात समझाई आपने, सरकार ने उतने करोड़ दिए, इतने करोड़ दिए, ठीक है, कांग्रेस वालों ने अच्छा काम करते हैं हमको मालूम है, कांग्रेस को हम सपोर्ट भी करे हैं। हाँ, मैं ये बात आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, इसी तरह मुसलमानों को पैरों के तले कुचल देते हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व करके, समझो एक ना एक दिन कांग्रेस वालों ने भी, जैसा जेडीएस का सर्वनाश हो रहा है उसी जैसा कांग्रेस का भी होगा। कितने सीट दिए एमएलसी, कितने हैं हमारे कांग्रेस के? चलो अभी 80 सीट हैं, एमएलसी किसको देंगे आप हमारे बागलकोट जिले से? चलो हमारे सौदागर साहब को देंगे, और किसको? मुसलमान को देंगे? ज़्यादा मुसलमान को देते नहीं, वोटा लेने को शाने हैं तुम्हें कांग्रेस वाले, अच्छे अच्छे पोस्ट दूसरे रख लेते हैं। ये कांग्रेस वालों की मैंने गलती की, मेरी बात को गौर से सुनिए, मैं किसी को
बात में ठुकरा रहा नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अच्छी लगी बात तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये बात पर ध्यान दीजिए कि ये जो कमेटी वालों ने बुलाकर जो हमारे जमीर अहमद खान से बात कराए, माशाल्लाह मदोड़ वालों ने बहुत बेहतरीन काम किया। इस जैसा काम अभी तक मैंने देखा नहीं बीजापुर ज़िले में, बागलकोट ज़िले में, बहुत बेहतरीन काम। मैं सल्यूट करता हूँ मदोड़ अंजुमन वालों को। अस्सलाम वालेकुम।